दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट। खेल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच खेला गया। आखिरी ओवर तक चले इस कड़े मुकाबले में तमिलनाडु को एक रन से हराकर कर्नाटका की टीम इस टूर्नामेंट की विजेता बनी। तो ये नजर डालते हैं सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले पर। टॉस जीतकर तमिलनाडु ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटका के लिए ओपनर लोकेश राहुल ने 22 और देवदत्त पदिकल ने 32 रन बनाए। इसके बाद मनीष पांडे ने 45 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के जड़ 60 रन की नॉट आउट पारी खेली। वही रोहन कदम ने भी 35 रन बनाए, जिसकी बदौलत कर्नाटका ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 180 रन का स्कोर बनाया। तमिलनाडु के लिए रविचंद्रन अश्विन और मुरुगन अश्विन ने 2-2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी तमिलनाडु ने 80 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बाद बाबा अपराजित ने 25 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। वहीं विजय शंकर ने भी 27 गेंदों पर 44 रन बनाए। आखिरी ओवर में तमिलनाडु को मैच जीतने के लिए 13 रन बनाने थे, लेकिन इस आखिरी ओवर में कर्नाटका ने सिर्फ 11 रन दिए और इस तरह तमिलनाडु की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट पर 189 रन ही बना सकी और ये मुकाबला सिर्फ 1 रन से उसे गंवाना पड़ा। कर्नाटक के लिए रोहित मोरे ने 2, जबकि कृष्णा अप्पा गौतम, श्रेयस गोपाल और जगदीशा सुचित ने 1-1 विकेट चटकाए। इस तरह कर्नाटक की टीम लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट की विजेता बनी।